तो कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग एलपी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर बीटेक वगैरह में या एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स मिलते हैं और किस तरीके से अप्लाई होता है और क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस होता है, यानी कि कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड प्रोग्राम में यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम मिलते हैं जो कि ट्वेल्थ बेसिस पे होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बीटेक की बात कर रहा हूँ, तो बीटेक में यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी साइड्स है, वैसे तो आपको काफ़ी सारे, मतलब हर एक एनवायरनमेंट में अलग अलग कोर्स मिल जाते हैं, यानी मेडिकल का भी कोर्स मिल जाता है, मैनेजमेंट का भी कोर्स मिल जाता है, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का भी, और लैंग्वेज का भी यहाँ पर सारे कोर्स मिल जाते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलर जस्ट फॉर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर सर्च योर एडवांस योर क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ पर ट्वेल्थ चूज कर ली, तो ये आपको अपने हिसाब से चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर परसेंटेज कितनी आपके 40-50 जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, कंप्लीट एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या चार्जेस रहते हैं और कौन कौन से यहाँ पर कोर्स मिलते हैं आपको बीटेक के अंदर। जी हाँ, आपको कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस चलता है तो आगे मैं कंप्लीट वीडियो बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइडें मिल जाती हैं, यानी कि आप इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि CSE, उसी के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECME, मेट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, AEBEE और एयरस्कोप, CHE, CCCE, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें मिलने वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर की सबसे फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके बारे में अब मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या चार्जेस रहेगी और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियोज है और इसको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर ज़रा सा भी आप लोग स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आपको पूरी डिटेल नहीं मिल पाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आने के बाद आपको इंजीनियरिंग लाइन में मिल जाता है, जैसे कि बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 4 साल, यानी कि 4 साल का रहेगा और टोटल 8 सेमेस्टर रहेंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी इन्होंने ट्रिम एंड कंडीशन भी दे रखी है, आप चाहें तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और ये एक रेगुलर प्रोग्राम है, यानी कि डिस्टेंस वगैरह या ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये अभी फिलहाल के लिए इन्होंने रेगुलर प्रोग्राम इसको रखा है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से रेगुलर से कर पाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी यहाँ पर एडमिशन, वहीं उसके लिए आपको बीटेक के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, लगभग आपको एक नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, LPU नेस्ट का। उसी के अवेज पर आपकी स्कॉलरशिप आधार की जाएगी, यानी कि कितनी स्कॉलरशिप रहेगी वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा अगर आप लोग LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो। अगर आप लोग LPU नेस्ट का एग्ज़ाम नहीं देते तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं CUET का, या फिर नेस्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। वहीं उनकी फ़ीस की बात करें तो इन्होंने अभी तक फ़िलहाल के लिए कोई भी, अभी इन्होंने यहाँ पर इस कोर्स की कोई भी फ़ीस नहीं दिखाई। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके, ताकि मैं आपको फ़ीस के बारे में भी डिटेल बता सकूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार।